हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली वो कैप क्लास सुबह 8:30 बजे, मैथ्स मंथन सुबह 10 बजे, जीके ज्ञान दोपहर 12 बजे, रीजनिंग मंत्रा दोपहर 2 बजे, इंग्लिश डोज शाम 4 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि डेली दोपहर 12 बजे हम जीके क्लास करते हैं, जिसके अंदर काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कि हम डिस्कस करते हैं और सीखते हैं। और ये जीके सिर्फ आपके CHSL के नहीं, इंडिया के सभी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हम क्या कर रहे हैं, आज भी हम पिछले साल का एक CHSL का जो पेपर है उसके जीके के 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और उम्मीद है कि जिस तरीके से आप जीके पढ़ रहे हैं, आपके आने वाले एग्जाम के अंदर जो हमारा मोटिव है कि आपके 50 में से 50 मार्क्स आने हैं, वो जरूर पूरा होगा। ओके, आप समझ गए होंगे, काफ़ी टाइम से आधे से ज़्यादा पेपर आपने खुद ने डिज़ाइन कर लिया होगा इतने सारे वीडियोस देखने के बाद में कि CHSL किस तरीके के CHSL में क्वेश्चंस आते हैं। तो उम्मीद है आज भी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सभी बच्चे आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करिएगा, जिनका सही होता है उनका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा, जिनका गलत होता है उनको लेसन मिलेगा कि अगली बार आपको उसको गलत नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं, पहले जो जैसे कि क्वेश्चन है वो कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले कोड ऑफ द डे, देखिए फ्रेंड्स, APJ अब्दुल कलाम जी आपको पता ही है, देश के सबसे बड़े आइडल हैं हमारे एजुकेशन के। तो इन्होंने एक बात कही थी, वो आप देख सकते हैं, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। यानी कि अगर आप सीखते हैं तो सीखने से आप क्रिएटिविटी की पैदा होती है, क्रिएटिविटी आपको सोच जो है उसको बढ़ाती है, आपकी सोच आपके नॉलेज को बढ़ाती है, और नॉलेज आपको ग्रेट बनाती है। कुल मिला के बात है, अगर आप लर्न करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे और आपको एक बड़ा पर्सन, एक ग्रेट नॉलेजेबल पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता। डजंट मैटर आपकी जॉब लगी है नहीं लगी है, लर्निंग प्रोसेस कभी भी रुकना नहीं चाहिए लाइफ में। ओके, आप जितने भी बड़े, जितने भी आप जिनको आइडल मानते हैं, चाहे रतन टाटा हो या कोई भी हो, आप जिनको भी अपन मानते हैं, चाहे राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर या कोई भी दुनिया के कोई भी बिल गेट्स, सबकी अगर आप बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो आप वो बोलते हुए आपको मिलेंगे हमेशा कि हम सीखना कभी नहीं छोड़ते, हम आज भी 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते हैं। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन जो आपसे पिछले साल पूछा गया, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वो है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी फुट हिल्स में लोकेटेड है, यानी कि आपको माउंटेन रेंजेस बतानी है कहाँ पे वो लोकेटेड है। अगर आपको भीमबेटका के बारे में पता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया के, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, एक तो जितने भी माउंटेन रेंजेस है ना, ये इंडिया के कौन से पार्ट के अंदर है वो डिस्कस करेंगे, दूसरा ये भीमबेटका कहाँ पर है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। और तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे बच्चे जो आंसर कर रहे हैं विध्यान कर रहे हैं, और बिल्कुल सही है, विध्यान रेंज। तो आपका आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है, ठीक है। विध्यान रेंज जो है वहां पे ही ये भीमबेटका केव्स है। अब देखिए, भीमबेटका कहाँ पर है, पहली बात तो मध्य प्रदेश के अंदर है, भोपाल से कोई 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। और ये बहुत ही पुरानी है, नियर बाय 10-20 हज़ार साल पुरानी ये केव्स है जो कि बनाई गई है, पैलियोलिथिक स्टोन एज के टाइम की ये केव्स है। वहाँ पे केव्स में पेंटिंग्स बना रखी है कि इंसान को हंटिंग करते हुए वहाँ पे कैसे वो रहता है, किस तरीके से, तो ये सारी पेंटिंग्स है जो कि केव्स में थोड़ी बहुत पेंटिंग्स बनाई हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपके सामने इमेज होगी एक इस केव्स की, ये देखिए इस तरीके की ये भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दूसरी वाली इमेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वाली। अब देखिए, यहाँ पे रेंजेस समझ लीजिए, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपकी ज्योग्राफी के लिए। देखिए, अरावली तो आपको पता ही है, वेस्टर्न राजस्थान और ईस्टर्न राजस्थान को डिवाइड करती है अरावली रेंजेस, ठीक है, राजस्थान के अंदर है, राजस्थान में मेजरली है, ऐसे तो आपके दिल्ली से राजस्थान से होते हुए आगे तक जाती है। इसके नीचे जस्ट विद्यान है जो कि MP, सतपुरा, देखिए MP, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स तो आपको पता ही है, रायसेन बिल्कुल सही है, MP में रानू जी ने बिल्कुल सही बात बोली है, रायसेन में है, बिल्कुल सही है। और कार्डोमन हिल कहाँ पे, केरला के अंदर, पेपर में कई बार पूछते हैं। नीलगिरी जो है वो नॉर्थ, ये आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जहाँ पे मिलते हैं ना, वहाँ पे नीलगिरी है। वैसे ही छोटा नगर प्लेटू छत्तीसगढ़ झारखंड वाले एरिया में, मेजरली झारखंड वाले एरिया में, और ये सब आपको ध्यान रखना। गारो खासी जैत्या कहाँ पर है, मेघालय के अंदर है गारो खासी जैत्या, तो ये सब आपको ध्यान रखना है, पेपर में कई बार इसमें से सवाल आते रहते हैं।
बिल्कुल सही है, काफी सही कहा है सचिन शिंदे जी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे तो आपका आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है कि उदित नारायण जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा मिला है। उदित नारायण को जब आपको नाम से आप समझ गए होंगे, भारत के सिंगर है उदित नारायण, नेपाल के अंदर बॉर्न हुए थे वैसे ही, लेकिन बॉलीवुड के अंदर काफी सालों से अच्छे गाने इन्होंने बॉलीवुड को दिए हैं। तो अब उदित नारायण का मैंने आपको पहले ही बताया था ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से पिक करना है, उनके काम के अकॉर्डिंगली पिक करना है। अगर ये कोई इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड होते, बहुत पुराने 50-60 साल 70 साल के ये होते और तो उनको विभूषण भी मिल सकता था। अगर कोई पॉलिटिशियन है, बहुत सोशल रिफॉर्मर है, या फिर बहुत क्लासिकल इंडियन म्यूजिक से या डांस से रिलेट करते हैं तो इनको विभूषण भी मिल सकता था, लेकिन ये बॉलीवुड से रिलेटेड है और ओल्ड एज भी है। पद्मश्री तो उनको मिलता है जो कि बिल्कुल 30-40 साल के होते हैं, लेकिन जो 50-60 साल के हैं बॉलीवुड से हैं, जिनका सोशल रिफॉर्मेशन में कोई ज़्यादा रोल नहीं है, उनको क्या मिलता है, पद्म भूषण उनको मिलता है। तो पद्म भूषण, बच्चों ने मेजरली आंसर सही लगाया, यानी कि ए और बी में से इसका आंसर होना था, ये तो आप समझ गए हो। और आपका आंसर यहाँ पे क्या है, बी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो पद्म भूषण आपका सही आंसर है। ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ओके, बिल्कुल सही है, आप देख सकते हैं ये है उदित नारायण, जिन लोगों को पता नहीं है इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सा ड्रग है जो कि माइग्रेन को क्योर करने के काम में आता है। माइग्रेन का मतलब आप समझते होंगे, जब सिर के अंदर बहुत दर्द होता है, पेन होता है, इसके एक्चुअली के अंदर रीजन तो आज तक पता नहीं लग पाए हैं, लेकिन फिर भी जब स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा या लोग बहुत ज्यादा लोड ले लेते हैं किसी बात का, तब माइग्रेन का पेन अपने दिमाग के अंदर नर्व सेल्स होते हैं। अब वो नर्व सेल्स क्या होते हैं, वो थोड़े से डायरेक्शंस के अंदर उनके थोड़े से डिस्टॉर्शन हो जाता है, उस तब जाके वो क्या करते हैं, पेन कॉज करते हैं हमारी बॉडी, हमारे हेड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो यहाँ पे क्या होगा, सुमेट्राप्टेन। ओके, सुमेट्रेप्टेन, तो आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है, सुमेट्रेप्टेन सी इसका सही आंसर है, जो कि ये जो गोली है ये वो क्योर करने के काम में आती है माइग्रेन को। ठीक है, माइग्रेन का वैसे एक्चुअली में तो ऐसा कोई इलाज नहीं है, अगर आपको मेडिटेशन से अगर आप इसको सही कर सके तो कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसके पेन को कम कर सकते हो आप, इसको कंप्लीटली रिमूव करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसके ऊपर जितने भी स्टडीज हुई है अभी तक इसका ओरिजिन जो है वो हम अभी तक नहीं जान पाए हैं साइंस के अंदर। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, सी इसका सही आंसर है। आप देख सकते हैं आपके सामने ये 100 mg की गोली है जो कि दी जाती है इस केस के अंदर। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जैसे कि आपके जो नर्व सेल्स है उसका फ्लो होता है ब्रेन के अंदर, और जैसे आप नीचे की तरफ देख रहे हैं ब्लू कलर का जहां पर पेन सेंटर है, यहां से ही आपको पेन के बारे में पता चलता है। तो कुछ एक एक्टिव अबनॉर्मली एक्टिव ब्रेन सेल है आपको दिख रहा होगा ना, तो जो ठीक है साइड के अंदर, तो ये वो है जो कि आपके पेन करते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और बिल्कुल सही कहा है बच्चों ने आंसर। और एक फ्रेंड बोल रहे हैं MD इब्रार जी की, उनके सन इन लॉ को है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है इसके अंदर, और काफ़ी एक पोर्शन होता है ब्रेन का जहाँ पे बहुत पेन होता है इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आंसर बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिनेट फेज गेम टो फाइट की कौन सी है। ओके, तो आपको बताना है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बैरोफेटा और ये जो पेट्रोटोफेटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, या मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कई बार मैं इसको आपको पूरा चार्ट दिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे आपको गेमनोटोफाइट के बारे में बताना है, डोमिनेट फेज किसका होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग सभी आंसर सही करेंगे। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बैरोफेटा इसका सही आंसर होगा, बैरोफेटा ए इसका सही आंसर होगा, जिसको क्या होता है गेमनोफाइट। आप देख सकते हैं आपके सामने इमेज, जो कि मैं कई बार दिखा चुका हूँ आपको, ये जिसके अंदर सब कुछ मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, ये एक इमेज से आप हमेशा ये आंसर को सही कर सकते हैं। देखिए डोमिनेट स्टेज सबसे पहला गेमटोफाइट, उसके अलावा पेट्रिटोफेटा में स्पोरोफाइट, और तीनों के स्पोरोफाइट है। ठीक है, पेट्रिटोफेटा में, जिम्नोस्पर्मिया में और एंजियोस्पर्मिया में, तीनों में है। वैसे मोनो होते हैं या डाइको होते हैं आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैरोफेटा ही डाइको है, बाकी सारे मोनो है। वैसे ही हेटरोस्पोर्स कौन कौन से हैं, बैरोफेटा और जिम्नोस्पर्मिया, पेट्रिटो और एंजियो कौन से, होमोस्पोर्स है। वैसे ही रियल रूट के बारे में आप देख सकते हैं, सीड देख सकते हैं। ठीक है, जो शुरू बायरोफेटा और पैटेटोफेटा, इनमें तो स्पोर्स होते हैं और बाकी दोनों में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। वैस्कुलर टिश्यू देखिए, बायरोफेटा में वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, बाकी तीनों के अंदर होता है। फ्लावर्स किसके अंदर होगा, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में होगा। और इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, इन सबको एक दो बार भी देखेंगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं नेक्स्ट वाली
इमेज के अंदर ये देखिए आपके सामने प्लांट डायवर्सिटी का इमेज है और बिल्कुल सही है। संतोष जी बोल रहे हैं मेरा आंसर नहीं मिल रहा है। संतोष जी आपका जो आंसर है एक बार आप थोड़े से बेसिक पे फोकस करिए जो मैंने इमेज दिखाई है, अगली बार से फिर आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है तो बिल्कुल सही आंसर है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक और इमेज आपके सामने वो भी देख सकते हैं जिसको डोमिनेंट फेज देखिए इस तरीके का होता है। पहले तो जाइगोट होगा, जाइगोट से कन्वर्जन होगा स्पोरो की तरफ, फिर स्पोर्स होगा, फिर ठीक है इस तरीके से इसका डोमिनेंट जो फेज है ना वो बदलता जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? बड़ा ही सिंपल सा है, आपने पढ़ा होगा बचपन में भी स्कूल में। स्कूल में तो हमने कहीं सारी ही पढ़ा है लेकिन अभी तक हमको याद रहता नहीं है क्योंकि हमें स्कूल में जब पढ़ा था तो सिर्फ पास करने के लिए पढ़ा था, नॉलेज के लिए अगर हमने हमारे स्कूल ने हमें पढ़ाया होता तो काफ़ी चीज़ें बदल चुकी होती। ठीक है तो थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम अपने देश का थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, पासिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाता है रादर नॉलेज के ऊपर नहीं किया जाता। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है एनारोबिक एरोबिक क्या होता है। एनारोबिक एरोबिक दो तरीके की रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमारे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, रेस्पिरेशन विथआउट ऑक्सीजन आपका सही आंसर होगा। और रेशमा जी लेट हो गई है, रेशमा जी अभी दो चार क्वेश्चन ही हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है तो अभी आराम से काफ़ी क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। ठीक है तो आंसर क्या होगा, रेस्पिरेशन विथआउट ऑक्सीजन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जो कि आपको ध्यान रखना है। रेस्पिरेशन विथआउट ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। आप देखिए आपके सामने इमेज है, मैंने डिफरेंस आपको बताया ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। एरोबिक में देखिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कहाँ पे अकर करेगा, एरोबिक माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर करेगा सेल के, लेकिन जो एनारोबिक होगा ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखना है आपको। तो कहाँ पे अकर करेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में एरोबिक, तो और एनारोबिक कहाँ पे करेगा, साइटोप्लाज्म में करेगा। वैसे ही एटीपी की जरूरत पड़ेगी उसको कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी थोड़ी एटीपी की जरूरत पड़ेगी लेकिन कम एटीपी की जरूरत पड़ेगी एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और कभी भी आप कोई भी काम करते हैं तो ऑक्सीजन की तो रिक्वायरमेंट होती होती है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बिल्कुल सही बच्चों के आंसर कर रहे हैं और उम्मीद है इसी तरीके से आप सही आंसर करते रहेंगे। बाबू शर्मा जी भी लेट आए हैं तो अभी से दो चार क्वेश्चन ही कवर हुए हैं, अभी काफ़ी कुछ बाकी है। ओके तो बने रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तो आपका आंसर क्या है, ए इसका सही आंसर है, रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बॉन्ड है जो होल्ड करता है एटम्स को टुगेदर वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर? कई बार मैं आपको पोलर बॉन्ड्स और साथ में नॉन पोलर बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, वापस से रिपीट करूँगा, ठीक है, वापस से अगली बार भी मैं आपको, ठीक है, तो वापस भी इसको रिपीट करेंगे और सारा का सारा वापस से पढ़ेंगे कि जो ये पोलर बॉन्ड है नॉन पोलर है ये होता क्या है। कई सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होगा तो यहाँ पे आपको H2O के बारे में बताना है, H2O जो है इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है। कुल मिला के जो खेल है ना वो किसका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स है सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, सारे जितने भी एटम्स हैं उनके। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ही उसके पोलैरिटी के अंदर डिफरेंस आएगा, समझ गए बात। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं पोलर की, पोलर के अंदर होता क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। पोलर के अंदर क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल शेयरिंग होती है, अनइक्वल शेयरिंग होती है। और जो नॉन पोलर होते हैं ना उसके अंदर क्या होती है, इक्वल शेयरिंग होती है। किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। इक्वल शेयरिंग किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, समझ गए सिंपल सी बात। ओके अब पोलर के अंदर क्या होगा, अनइक्वल शेयरिंग होगी, ठीक है, और इसमें क्या होगा, इक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, सिंपल सा कंसेप्ट है। अब डिपेंड करता है कि कितना किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर ज्यादा होगा तो वो क्या बनता जाएगा, नॉन पोलर, ठीक है, पोलर बनता जाएगा। तो आपको यहाँ पे H2O जो है ना इसके अंदर अनइक्वल शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा। आप देखिए आपके सामने इमेज होगी जिसके अंदर मैंने दोनों चीजों को समझा रखा है कि पोलर और नॉन पोलर के बारे में। देखिए सबसे पहले देखिए HH हाइड्रोजन की बात है, इलेक्ट्रॉन्स आर शोन टू बी सुपर इम्पोज्ड, इसके अंदर क्या हो रही है, इक्वल शेयरिंग हो रही है, किसमें, नॉन पोलर में। वैसे पोलर कोवलेंट के अंदर क्या हो रही है, नॉन इक्वल, अनइक्वल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, जो कि क्या है, H2 आपका एग्जांपल है यहाँ पे। नेक्स्ट वाला देखिए, और यहाँ पे पोलर कोवलेंट के बारे में बताया मैंने कि जो अगर आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है
तो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। मैंने आपको बताया ना, इक्वल शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। अगर इक्वल शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन्स की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। जीरो हो गया तो वो कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। वैसे ही नॉन पोलर से थोड़ा ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, जिसके अंदर आपका जो डिफरेंस है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो 0.5 से 1.7 के बीच में होता है। अगर उससे भी ऊपर चले गए तो क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो देखिए बिल्कुल सही है, और बच्चों का काफी जगह पे पेपर है, 21 का है, किसी को 15 का है। बेस्ट ऑफ लक गाइस, जो जितना भी हो सके अच्छा करिएगा, ओके। और जो आपने पढ़ा है ना वो बहुत अच्छा पढ़ा है, और आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं आने वाले पेपर के अंदर। जो 4 तारीख से एनालिसिस जो होने वाला है ना आपका, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। 4 तारीख से मैं आपके लिए जीके के जो पेपर होते जाएंगे ना तीनों शिफ्ट के अंदर, उसका मैं एनालिसिस आपके लिए लेके आऊंगा। तो उसको ज्वाइन जरूर करिएगा, ताकि कई सारे क्वेश्चंस आपको उन पेपर में से भी देखने को मिलेंगे। और मैं आपको एक नंबर भी दे रहा हूँ, 7023336 25। इसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं जो भी क्वेश्चंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को अगर आपका पेपर है शुरू में या कभी भी, तो आप अपना क्या करिए, डेट पेपर के जब आप पेपर देके आए हो शिफ्ट, और क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सअप जरूर करें, ताकि मैं आपको उसका एनालिसिस प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, जितने आप हेल्प करेंगे उतने ही हमारी पूरी फैमिली है, वाईफाई स्टडी फैमिली, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो जितना बच्चों का बेनिफिट होगा उतना अच्छी बात है। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस मुझे जरूर भेजें, क्योंकि ऑनलाइन क्वेश्चंस है तो ऐसे तो पता चलेंगे नहीं, अगर आप लोग हेल्प करेंगे तभी पता चल पाएंगे। ओके, तो कोशिश करिएगा जैसे जैसे आपका पेपर होता जाए वैसे वैसे आप क्वेश्चंस व्हाट्सअप करते जाएं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, पोलर होगा आपका आंसर, यानी कि बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, बी आपका सही आंसर है, काफी बच्चों ने आपका आंसर सही भी दिया है। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपसे पूछा गया एटॉमिक नंबर से रिलेटेड। एटॉमिक नंबर कौन से एलिमेंट का नियॉन से ज्यादा है? मैंने आपको पहले भी बताया था 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर आपको याद करने हैं एलिमेंट्स के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 से लेकर 20 तक के आप याद कर लीजिए। आपका एक क्वेश्चन हमेशा भारत के सब पेपर में सही होगा, बड़ा ही सिंपल सा है वैसे। 1 से लेकर 20 तक याद करने की कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप खुद के ट्रिक्स भी बना सकते हैं याद करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो आपसे नियॉन के बारे में पूछा है। ठीक है, तो काफी बच्चे यहाँ पे, बीना जी बोल रही है बिल्कुल हेल्प करेंगे, बहुत अच्छी बात है बीना जी। देखिए जिसका सिलेक्शन होना है उसका होना है, ठीक है, अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो दूसरे आपकी भी मदद करेंगे, सिंपल सा फंडा है, व्हाट गोज अराउंड इट कम्स अराउंड। ठीक है, सबको बता दो, तो जितना हो सके एक दूसरे की हेल्प करें, और हम भी आपकी पूरी हेल्प करने को तैयार है। 4 तारीख से एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, जितना हो सके जीके के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, उसके आसपास के क्वेश्चन भी बताऊंगा, ताकि पेपर में आपको उससे रिलेटेड काफी कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको क्या बताना है, नियॉन से ज्यादा एलिमेंट किसका, नियॉन का पता है ना 10 होता है नियॉन का, नियॉन का जो एटॉमिक वेट नंबर है वो कितना है, 10 है, और आपको बताना है कि 10 से ज्यादा किसका होता है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे जो आंसर कर रहे हैं वो कुछ अजीब सा कर रहे हैं। ऑक्सीजन का तो 8 है, आपको मैं बता देता हूँ, ऑक्सीजन का तो 8 है, मैग्नीज का कितना होता है, ठीक है, मैग्नीज का 12 होता है, मैं आपको लिख देता हूँ, ऑक्सीजन का कितना है 8 है, मैग्नीज का कितना है 12 है, नियॉन का कितना है 10 है। तो आपका आंसर क्या हो गया, मैग्नीज आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, मैग्नीज कौन से ऑप्शन के ऊपर है, मैग्नीज है बी वाले ऑप्शन पे, तो आपका आंसर क्या होगा, बी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन, बोरोन, ये सब भी देख लेते हैं। देखिए मैं आपको 1 से लेकर 20 तक की पूरी टेबल दिखा रहा हूँ, आप उसको याद करना जरूरी है। ठीक है, आप इसकी कोई ट्रिक भी बना सकते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए हाइड्रोजन सबको बताइए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 1 2 3, यहाँ पे बोरोन 5वां, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 6 7 8, नियॉन 10 पे था, और आपसे पूछा गया था मैग्नीज, मैग्नीज कौन सा है, 12वां है। ठीक है, तो 12वां वाला आपका सही आंसर हो गया। यहाँ पे जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, और लोगों ने बोरोन आंसर किया है, देखिए बोरोन नहीं है, बोरोन का तो 5 होता है, बोरोन का तो, ठीक है, आपको ध्यान रखना है बोरोन का 5 है। और एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का 13 होता है, और यहाँ पे मैग्नीज है जो कि 12 होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आप इसे ध्यान रख पाएंगे, और पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर सही करेंगे। नेक्स्ट है कि आपको बताना है, डैश इज अ डिपिक्शन, एक ब्रह्मंडलीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव का चित्रण है जो तांडव नाम अपने दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो तांडव एक डांस है जो कि आपको बताना, लॉर्ड शिवा का डांस है, तो उसको क्या कहते हैं, उसका डिपिक्शन को हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बड़ा ही सिंपल सा है ना, कि साउथ के अंदर इसका जो डिपिक्शन है ना फ्रेंड, ये जो तांडव करते हुए जो शिवजी दिखाए जाते हैं, ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत हो गया फिर से, ठीक है, क्वेश्चन अलग हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश डिफाइंस डेटा टाइप एंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, ठीक है, डैश डिफाइन डेटा टाइप और
ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने नटराज वाला बाद में करेंगे, पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन डेटा टाइप, डैश डेटा टाइप को और उनके बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, वो क्या करता है ये आपको बताना है। ओके, तो आपके सामने चार ऑप्शंस है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो पहले भी ये क्वेश्चन शायद डिस्कस हो चुका है, आई गेस, नहीं पहले तो नहीं आया, क्वेरी लैंग्वेज के बारे में आया था पहले, OQL के बारे में आया था, और यहाँ पे आपको डेटा टाइप के बारे में बताना है। तो आंसर क्या होगा उसका, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं काफी बच्चे क्वेश्चन एक गलत होते, ठीक है, काफी चेंजेस आते हैं। ए इसका सही आंसर है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इसका सही आंसर होगा। होता क्या है देख लेते हैं, जिसमें क्या होता है, एक तरीके का डेटा टाइप है। ओके, आपके सामने देखिए इसकी मैंने पूरा डेफिनेशन लिख रखी है, काफी बच्चों ने आंसर सही दिया है। ये क्रिएट करने के काम आता है, डेटाबेस को डिस्ट्रॉय करने के काम में आता है, डेटाबेस की और डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को। और आप देखते जैसे कि आप देते ना, चार बेसिक कमांड होते हैं, क्रिएट अगर आप लिखते हैं तो ये इंस्टॉल करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, DBMS जिसको हम कहते हैं। ओके, इस तरीके से डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है। तो आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। नेक्स्ट, तो आपने आंसर कर ही दिया है वैसे नटराज के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लॉर्ड शिवा वाला है जो कि नटराज, तो इसका जो आंसर आप सभी को पता ही, आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर है। नटराज जो डांस की स्टाइल है जिसको हम तांडव कहते हैं, जो कि शिव जी की है, ये 6 AD के अंदर, आज से नियर बाय 1500 साल पहले इसको बनाया गया था, एक तुरुवरुवर करके साउथ इंडिया के अंदर एक डिपिक्शन है, किताब है, वहां पे इसको सबसे पहले साउथ इंडियंस ने डिपिक्ट किया था, इसके बारे में बताया था। उसके बाद में फिर ये कई सारे बुक्स के अंदर, कई सारी मूवीज में इसको काफी जगह पे इसको लिया गया, और आप इमेज देख सकते हैं अगर आपको पता नहीं है तो। ठीक है, तांडव, ये वो इमेज है तांडव करते हुए, इसको नटराज पोज कहते हैं। ठीक है, तो काफी बिल्कुल सही आंसर है इसका। और एक स्टूडेंट बोल रहे हैं UPSC में पूछा गया था, तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है वो आपके सभी पेपर में काम आएंगे, जो जनरल नॉलेज है ये आपके भारत के सभी पेपर में काम में आएंगे। ओके, तो इसको पढ़ते रहिए, इसी तरीके से अपने नॉलेज इंप्रूव करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके, कल भी यही क्वेश्चन था, सेम है आज भी क्वेश्चन, आपके न्यूमेरिकल्स है, इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल्स। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। देखिए, डिमांड और सप्लाई वापस से वही करना है, डिमांड और सप्लाई को इक्वल करना है। ठीक है, 90,000 लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस 23P इक्वल्स टू 9,000 प्लस ये है 7P। कुछ नहीं करना, P की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर, ले देंगे P की वैल्यू, अगर मेरे ख्याल से इसमें 9,091 में से हटाएंगे तो 81,000 आ जाएगा और यहाँ पे 30 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से इसको करना है, आंसर क्या आ जाएगा, 2700 आ जाएगा। ठीक है, 27 आ जाएगा ना, तो इस तरीके से आपका ये आंसर है, जो कि हो सकता है 30 को अगर इससे काट दो, इसको काट दो 2700, तो आपका आंसर क्या हो गया, 2700 इसका सही आंसर हो गया, यानी कि आपके ऑप्शन में क्या है, डी आपका सही आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसके अंदर किसी को। ठीक है, वंश जी बोल रहे हैं हिंदी में पढ़ाने के लिए, वंश जी कुछ हिंदी तो बोल रहा हूं। ठीक है, अब इसके अंदर न्यूमेरिकल है, इसके अंदर मैं हिंदी में क्या मतलब, ऐसे तो करेंगे अपन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया है बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड कर्व को लेकर, डिमांड कर्व क्या होता है, सिंपल सा बात है, आपको मैंने लॉ ऑफ डिमांड मैंने आपको बताई थी पहले भी, जब शुरू में अपन ने क्लासेस स्टार्ट करी थी, अगर किसी चीज के प्राइजेस बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड कम होगी, अगर उसकी डिमांड बढ़ानी है तो उसके प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, सेल क्यों लगती है, होता ना कि भाई 30% ऑफ, 50% ऑफ, क्योंकि उनको अपनी सेल बढ़ानी होती है, डिमांड बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी प्राइसेस को कम कर देते हैं। तभी तो सेल में होता क्या है कि हम जाते हैं एक टी शर्ट लेने, लेकिन लगता है कि यार चलो एक के ऊपर एक फ्री मिल रही है, ठीक है डिस्काउंट में मिल रही है, तो दो ले लेते हैं, तो डिमांड बढ़ी जाती है सेल प्राइसेस को कम करने से। तो आंसर क्या होगा इसका, ठीक है यहाँ पे होगा आपका आंसर, शो दैट द प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस, डिमांड फॉर ए गुड विल डिक्रीज। सही बात है, बी इसका सही आंसर है, काफी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है। ठीक है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी तो प्राइसेस कम हो जाएगी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कॉलेरा किससे होता है यह आपसे पूछा गया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, वायरल के डिजीजेस, बैक्टीरिया के डिजीजेस, फंजाई के, इन सब के डिजीज आपको, या प्रोटोजोवा के, इन सब के याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डेली एक इमेज दिखाता हूँ, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, देखिए याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्लास अटेंड करते जाइए आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप याद होता जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा वर्कआउट करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी को पता है कॉलेरा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। टीबी वीबी ये सब किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने आपको पहले भी एक इमेज दिखाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इसके अंदर वायरस से होने वाले डिजीज आपके सामने है, कौन कौन से, हेपेटाइटिस, उसके अलावा चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, बर्ड फ्लू, येलो फीवर, इबोला, सार्स, एड्स, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, मिसल्स, ठीक है, टाइफॉइड, ये सब किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। वैसे बैक्टीरिया वाला देखिए, यहाँ पे एंथ्रेक्स है, ई कोली, टाइफॉइड, सेल्मोनिरा और निमोनिया, ठीक है, और ये सब इससे होते हैं, किससे, बैक्टीरिया से। फंजाई के देखिए, रिंगवॉर्म है, यीस्ट इन्फेक्शन है, और पैरासाइट से राउंड वॉर्म है, टेप वॉर्म है। देखिए रिंग वॉर्म, राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। रिंग वॉर्म सिर्फ आपको फंजाई से एक ही ध्यान रखना है, रिंग वॉर्म, अगर बाकी किससे याद करना है, टेप जो पैरासाइट से होता है, टेप वॉर्म और दूसरा वाला, ठीक है, कौन सा, राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म और टेप वॉर्म, ये दोनों किससे, पैरासाइट से, ठीक है, इस तरीके से याद करना है। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता ही है, सबको पता ही है, छागस भी होता है, छागस डिजीज, ठीक है। तो ये, और जो प्रोटीन से कौन सा होता है, काउ डिजीज होता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, पेपर में एक से ना एक सवाल आपको 101% इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में फ्रेंड्स, जितने लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद में बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि देश के कोने कोने तक बच्चों को बेनिफिट हो सके। ओके, बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, वो पूछा गया था ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर, जो कि हमारी ओजोन लेयर को क्या कर रही है, डिप्लेट कर रही है, ठीक है। आपको पता है ना कि ऊपर की तरफ लोअर स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन लेयर है, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट जो लाइट है, सनलाइट है ना, जो उससे बचाती है। तो ओजोन लेयर से काम, ठीक है, होता क्या है कि स्किन कैंसर और ये सब होने से बच जाते हैं हम लोग। अब ओजोन लेयर में पोल्यूशन बढ़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, तो क्या होगा, ओजोन लेयर डिप्लेट होना चालू हो जाती है। ओजोन लेयर को हम किससे बोलते हैं, डॉप्सन से बोलते हैं, डॉप्सन से हम इसको मेजर करते हैं। एक डॉप्सन कितना होता है, 0.01 mm के बराबर होता है। पेपर में पूछते हैं ओजोन लेयर की यूनिट क्या होती है, ठीक है। नॉर्मली ओजोन लेयर कितनी की होती है, 300 डॉप्सन की होती है। अगर 220 डॉप्सन हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि ओजोन होल हो गया है, समझ गए। 300 डॉप्सन नॉर्मल होती है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर, और अगर वो 220 तक पहुंच जाए तो उसको हम ओजोन होल कहते हैं। एक डॉप्सन 0.01 mm के बराबर होता है, और किस वजह से, कौन सी गैस आएगी, CH4, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। शुरू के तीनों तो कोई रेलिवेंस नहीं है, CH4 है, ठीक है, जिससे क्या है, क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लेट होती है। आंसर बिल्कुल सही है सभी बच्चों का, और बिल्कुल सही है। तो साथ में आप इमेज भी देख सकते हैं, जिन लोगों को ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में या फिर ओजोन होल के बारे में पता नहीं है, देखिए अल्ट्रावायलेट ए और बी दो तरीके की आती है, शील्ड बनी हुई है हमारे अर्थ के ऊपर, और कई सारे केमिकल्स हैं जो कि ओजोन होल को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि CFC, HCFC, हेलोन्स है, मिथाइल ब्रोमाइड है जो कि पेस्टिसाइड से निकलता है, हेलोन्स फायर एक्सटिंग्विशर से, HCFC आपके रेफ्रिजरेटर से, CFC रेफ्रिजरेटर से, एरोसोल से, इस तरीके से, और आपको ये आंसर करना है। साथ में ओजोन लेयर को लेकर एक प्रोटोकॉल भी है, क्या नाम है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर को बचाने के लिए हमने एक प्रोटोकॉल भी बना रखा है, जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहां पर है, कनाडा के अंदर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, कौन सा वाला नेशनल पार्क नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डेली मैं आपको नेशनल पार्क के बारे में बताता हूं, ठीक है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर। काजीरंगा कहां पर है, वन हॉर्न राइनोज कहां पे मिलते हैं, ठीक है, आसाम के अंदर। और सतारा नेशनल पार्क सुना है कभी, कभी इमेज में मैंने दिखाया सतारा नेशनल पार्क, कभी नहीं दिखाया ना, तो आंसर क्या होगा, सी होगा ना। बांदीपुर कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है, सिंपल सी बात है। और बांधवगढ़ कहां पर है, वो मध्य प्रदेश में है, कंफ्यूज नहीं होना बांधवगढ़ और बांदीपुर के बीच में। आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा, सतारा नेशनल पार्क कुछ भी नहीं है। साथ में कुछ और इमेज, एक इमेज देख सकते हैं जिसमें वापस से आप सभी के लिए, और ये देखिए बिल्कुल सही है बच्चों का आंसर, ये सारे नेशनल पार्क है जो कि आपको याद ध्यान रखना है। एक बार देख लीजिए, बस याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख भी लोगे ना तब भी आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। डेली पढ़ते जाएंगे, रिवीजन होता जाएगा, याद होता जाएगा, याद एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले एस्ट्रोनॉमर जिसने बताया कि अर्थ को कितना टाइम लगता है सन के रोटेट होने में, पहले एस्ट्रोनॉमर, ये आपको बताना है, ठीक है। पहले एस्ट्रोनॉमर, आपको पता है ना कि ग्रेविटी के बारे में भी सबसे पहले न्यूटन से 500 साल पहले ही एक हमारे एस्ट्रोनॉमर थे, जो कि गुप्तास के टाइम पे थे,
उन्होंने बता दिया था ग्रेविटी के बारे में। बस बात तो ऐसी है कि पुरानी बहुत हो गई, इसके वजह से जो क्रेडिट है वो न्यूटन को चला जाता है। लेकिन एक्चुअली में अगर आपने भास्कराचार्य का नाम नहीं सुना तो आपको पता होना चाहिए, भास्कराचार्य बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे गुप्तास के टाइम पे और उन्होंने काफी काम किया इस चीज के ऊपर। भास्कराचार्य या फिर इनको भास्कर सेकंड भी कहते थे, द्वितीय, ठीक है, भास्कर द्वितीय या फिर भास्कराचार्य बोल लीजिए। तो इन्होंने बताया था कि एग्जैक्ट टाइम जो है ना कि अर्थ को रोटेशन करने में कितना टाइम, रिवोल्यूशन करने में सन के कितना टाइम लगता है, ठीक है, आपको पता है ना कितने टाइम है, 365.256 डेज लगते हैं, ठीक है, 365.256 डेज हमें पूरे का पूरा एक रिवोल्यूशन करने के अंदर लगते हैं सन के ऑर्बिट के अंदर, और 180 मिलियन किलोमीटर के आसपास है आई गेस, जो कि पूरा ये जो पूरा रोटेशन रिवोल्यूशन होता है ना वो 180 मिलियन किलोमीटर के समवेयर होता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। आप देख सकते हैं आपके सामने इमेज होगी भास्कराचार्य की, इन्होंने ग्रेविटी के बारे में भी काफी कुछ बता दिया था पहले ही, और बिल्कुल बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, कई बार बता चुका हूँ कैपिटल याद करना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। कभी गलती से मेलबॉर्न सिडनी केप टाउन, मेलबॉर्न सिडनी ये सब पर्थ ये सब मत लगा देना, गलत हो जाएगा। कैनबेरा इज द कैपिटल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया और साथ में न्यूजीलैंड की क्या है, वेलिंगटन, वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ द, ठीक है, कैपिटल ऑफ द न्यूजीलैंड। तो आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे ही तो है, ठीक है, तस्मानिया, तस्मानिया के जस्ट नीचे क्या है, न्यूजीलैंड है। आप देख सकते हैं आपके सामने इमेज है जिसके अंदर मैंने पूरा ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है ना इसके बारे में लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट क्या है, कैनबेरा देखिए ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ठीक है, और तो आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा इसमें से, और तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन सा गेम एशियन इंडिया में बहुत पॉपुलर था, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था, यह आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल खेलते थे क्या पहले के टाइम पे, कहाँ खेलते थे, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। चेस है, चेस क्यों है, क्योंकि आपको पता है ना कि चेस का जो ओरिजिन है वो इंडियंस के द्वारा किया गया है। थोड़े से हिस्टोरियंस ऐसे भी जो इसको चाइना को देते हैं इसका क्रेडिट, लेकिन एक्चुअली जो मेजरली 70-80% जो हिस्टोरियंस है वो कहते हैं कि जो चेस का इन्वेंशन है वो भारत के अंदर ही हुआ है, ठीक है। दुनिया के बेस्ट जो आपको पता ना विश्वनाथन आनंद वो चेस ही खेलते हैं हमारे, सबसे मैक्सिमम टाइम पे कार्लसन करके प्लेयर है, कार्लसन, उन्होंने नहीं कास्परोव, ठीक है, कास्परोव एक कास्परोव है जिन्होंने 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, और हमारे जो विश्वनाथन आनंद है इन्होंने 5 बार जीती है, और करंट चैंपियन वो है कार्लसन, कार्लसन ने 2014 या 2015 में आनंद को हराया भी था, ठीक है। नॉर्वे के हैं कार्लसन जो कि करंट में चैंपियन है, मैक्सिमम टाइम कौन, कैस्परोव नाम है उनका ऐसा कुछ, और 5 बार इन्होंने जीती है, आनंद ने जीती है, ठीक है, ये सब भी आपको ध्यान रखना है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अशोका कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, किसके वंश थे अशोका, सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत करोगे आप, तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, वैसे तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपके पिछले साल के अंदर, तो आप देख सकते हैं ना कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, कितने सिंपल सिंपल बनते हैं, या तो आपके मौर्यास के वंश में से किसी राजा के बारे में पूछ लेंगे या फिर मुगल के बारे में किसी में से पूछ लेंगे, सिंपल सा दोनों का आंसर है। इसका आंसर तो आप सभी को पता ही है, मौर्यास, ठीक है, आपका आंसर क्या है, सी आपका सही आंसर है, मौर्यास इसका सही आंसर है। आपके सामने इमेज होगी जिसके अंदर मैंने और भी कुछ सारे मौर्य जो डायनेस्टी है वो मैंने डिफाइन कर रखे हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले, बिंदुसार, अशोका, उसके बाद में दशरथ, संप्रीति, सिलुसिका, देवरमन, और साथ में आखिरी कौन सा है, बृहद्रथ। तो आपको सिर्फ 4 नाम याद करने हैं, ऊपर के 3 और साथ में बृहद्रथ, ठीक है, लास्ट वाला और ऊपर के 3, ये आपको सिर्फ याद करने हैं और कुछ भी आपको याद नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एलईडी का इन्वेंशन किसने किया था, एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट इमिटिंग डायोड, छोटे छोटे से डायोड नहीं आते, लाइट इमिटिंग डायोड उसको कहते हैं एलईडी, और इसका इन्वेंशन किसने किया था यह आपसे पूछा गया, और सिंपल सा इसका क्वेश्चन का आंसर है, पहला आंसर क्या होगा, ठीक है, रजत जी के सारे काफी आंसर सही है, तो बिल्कुल अच्छी बात है रजत जी, बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या होगा, निक इसका सही आंसर होगा, निक होलोन्याक, निक होलोन्याक इसका सही आंसर है, यानी कि ए आपका सही आंसर है, ठीक है, ए आपका सही आंसर है, ये वो पर्सन थे जिन्होंने एलईडी का इन्वेंशन किया था। आपके सामने देखिए कुछ एक और इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी, ये देखिए एलईडी होती है, लाइट इमिटिंग डायोड, बीम्स हो रहे हैं इसके अंदर,
और डायोड इसके अंदर लगा हुआ होता है, उसके ऊपर बीम्स पड़ती है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मटेरियल है, इस तरीके से ये डायोड बनती है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, ये 3% सबसे पहले तो निक ने किया, उसके बाद में ऑरेंज कलर की 1972 में क्रैफोर्ड ने बनाया, और उसके बाद में जापान ने ब्लू कलर की बनाई। इस तरीके से इसके अंदर डेवलपमेंट होता हो गया। आपको सबसे पहले एक जो फर्स्ट पर्सन है ना, उन्हीं का याद करना है, सबका याद नहीं करना है, ठीक है? तो आपका आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी की वैल्यू किसने बताई थी सबसे पहले? जी की वैल्यू आपको बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। बड़ा वाला तो क्या होता है? ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। छोटा वाला क्या होता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। छोटे वाले जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.81। और बड़े वाले की कितनी होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की? 6.67 × 10⁻¹¹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, इस तरीके से होती है, जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है, 6.67 × 10⁻¹¹, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सबसे पहले किसने बताई थी? लॉर्ड कैवेंडिश ने बताई थी। तो ए इसका सही आंसर है। लॉर्ड कैवेंडिश वो पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बताया था। आप देख सकते हैं, आपके सामने इमेज होगी जिसके अंदर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। सबसे पहले तो जी और जी के बारे में डिफरेंस समझिए, ठीक है? तो जी और जी के बारे में डिफरेंस समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बड़ा वाला जो जी है वो कांस्टेंट होता है, छोटा वाला एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है, जो कि 9.81 के बराबर है, ठीक है? ये सब आपको ध्यान रखना है। और मून के ऊपर जी कितना होता है? 1/6 होता है ना, यानी कि जो ग्रेविटी है यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो जितना 9.81 है और मून के ऊपर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, ओके? ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वो पर्सन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कैवेंडिश, ठीक है? तो इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था 1731 से 1810, और इन्होंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी काम किया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में पता किया, एक्सपेरिमेंट किया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल उपकेंद्रीय बल द्वारा डैश कार्य किया जाता है। उपकेंद्रीय बल सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में बताना है। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल और एक होता है सेंट्रिपिटल, आपको बताना है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो सबसे पहले तो एक इमेज देखिए जिसमें आपके सामने बता रखा होगा कि किस तरीके से सेंट्रिपिटल लगता है। तो वर्क डन सेंट्रिपिटल फोर्स के द्वारा, देखिए अंदर की तरफ तो सेंट्रिपिटल, बाहर की तरफ कौन सा हो जाएगा? सेंट्रीफ्यूगल हो जाएगा, ओके? और यहाँ पे आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर दिया है बरार जी ने, हॉट इंडिया, विजय कुमार, तो आंसर बिल्कुल सही है, 0 आपका बिल्कुल सही आंसर है। सेंट्रिपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो 0 होता है, ठीक है? वो तो अंदर की तरफ आ रहा है, आपका रोटेशन बाहर की तरफ होगा, तो आपका वर्क डन कितना होगा? 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आप देख सकते हैं आपके सामने इमेज है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, ये आपको बताना है। भारतीय संविधान के कितना अनरेलीवेंट सा ऑप्शन है, वैसे अगर मैं बात करूं एक्चुअली तो अभी कितने हैं? 25 बन चुके हैं, ठीक है? अभी तो कितने हैं? 25 है, लेकिन जब बना था हमारा संविधान तब उसके अंदर कितने थे? 22 पार्ट थे। तो आपका आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, देखिए आपके सामने कुछ इमेजेस है, 25 के 25 मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? सबसे पहले तो देखिए आप कौन से वाले, फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है यूनियन और उसकी टेरिटरी, सेकंड सिटीजनशिप, थर्ड और फोर्थ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड फोर्थ तो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, पांचवा पार्ट यूनियन के बारे में, छठा स्टेट्स के बारे में, और इसके अलावा फिर आ जाइए नवे पार्ट में, नवे पार्ट कौन सा है? पंचायत को लेकर। नेक्स्ट वाली इमेज पर आ जाइए, नवे का ए कौन सा है? म्युनिसिपैलिटीज, पेपर में पूछते हैं। इसके अलावा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्शन, 15वां पार्ट। इसके अलावा 17वां बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि लैंग्वेज को लेकर है, 18वां इंपॉर्टेंट है जो कि इमरजेंसी को लेकर है, 20वां इंपॉर्टेंट है जो कि अमेंडमेंट को लेकर है, ठीक है? और इस तरीके से आपके सामने पूरे के पूरे लिखे हुए हैं, और अभी कितने हो चुके हैं? 25 हो चुके हैं, जब बना था जब कितना था? 22 था, ओके? और अजीत जी बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन में क्या, अगर बिल्कुल अगर आपके नोटिफिकेशन में, अगर देखिए पीसीएम अगर आपके पास में है तो आप 2 वैकेंसी है जो सिर्फ पीसीएम के स्टूडेंट भी भर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपसे आर्टिकल 31B के बारे में बोला गया। डेली मैं आपको बोलता हूँ आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट्स के बीच में अगर कोई सा भी आर्टिकल आपसे पूछा जाए
तो आप आंखें बंद करके फंडामेंटल राइट्स पे मार दो। 36 से 51 कौन से हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। 200 वाले लाइन के अंदर कौन से हैं? स्टेट वाले हैं मेजरली। तो वहां से आप सीधे ऊपर से देखते हुए आंसर पिक कर सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? फंडामेंटल राइट्स होगा, क्योंकि 12 से लेकर 35 के बीच में 31वां है जिसके अंदर बात करी गई है किस चीज को लेकर, कि आप क्या कर सकते हैं, जो वैलिडेशन जो लॉज है रेगुलेशन उसको वैलिडेशन आपको प्रूव करना जरूरी है, वैलिडेशन करना जरूरी है। तो आपका आंसर क्या होगा, यानी कि फंडामेंटल राइट डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में भी, इसी तरीके से करते रहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, कौन से प्लेयर ने ट्रिपल सेंचुरी नहीं मारी है? आज तक 25-30 लोगों ने ट्रिपल सेंचुरी मारी है टेस्ट मैचेस में। भारत की तरफ से दो लोगों ने मारी है, एक तो वीरेंद्र सहवाग और एक करुण नायर, ठीक है। दो लोगों ने मारी है, नायर ने और एक सहवाग ने। तो आपको सिर्फ भारत से दो नाम ध्यान रखने हैं। क्रिस गेल ने मारी है, ब्रायन लारा के तो हाईएस्ट है 400 रन, सभी को पता ही है। क्रिस गेल भी है, सचिन तेंदुलकर इसका आंसर है। सचिन तेंदुलकर ने कभी भी ट्रिपल सेंचुरी नहीं मारी है, ठीक है। आई गेस 283 के आसपास या 285 के आसपास सचिन का हाईएस्ट रन है टेस्ट मैचेस के अंदर। तो आपका आंसर क्या है इसमें? सी आपका सही आंसर है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर ने कभी भी ट्रिपल सेंचुरी नहीं मारी है। ओके, बच्चों का जो आंसर आ रहा है देख लेते हैं। बिल्कुल सही है बच्चों का आंसर, सचिन तेंदुलकर है जिन्होंने सेंचुरी नहीं मारी है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है ट्वेल्थ वाइफ जो है ना, ये इसके ऑथर कौन है ये आपको बताना है। तो काफी बच्चों को पता नहीं होगा, यहाँ पे इंदु सुदर्शन, ठीक है, इंदु जी है, इंदु सुदर्शन जिन्होंने इस किताब को लिखा है जिसका नाम है ट्वेल्थ वाइफ। आपके सामने कवर पेज होगा आपका। यहाँ पे जो आंसर क्या है, डी आपका यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। आंसर क्या है? डी आपका यहाँ पे सही आंसर है, और ये इंदु जी है जिन्होंने इस किताब को लिखा है। इसके अलावा कुछ और इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है, ठीक है, और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि ट्वेल्थ वाइफ है, द फीस्ट ऑफ रोजेज है, शैडो प्रिंसेस है। ये तीन किताब है ताजमहल ट्रिलॉजी के ऊपर। इसके अलावा द स्प्लेंडर ऑफ साइंस, द कॉन्वेंट ऑफ लिटिल फ्लावर्स, द माउंटेन ऑफ लाइट, ये 5-6 किताबें एक या दो बार आप देख लीजिए, अभी पढ़ लीजिए, पेपर में अगर आ गया तो आप इसमें से अप्रोक्सीमेटली आप एलिमिनेशन थ्योरी अपना सकते हैं। मुझे पता है 6-6 किताबें आप हमेशा याद नहीं रख पाओगे, एक या दो बार रीडिंग कर लेना अगर आपने अभी, तो जब पेपर में अगर आपसे इनमें से एक सवाल आ गया ना अगर किताबों में से, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, बच्चा कौन, वो इसका आंसर है। इस तरीके से भी इसका आंसर पिक कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आज के अपने 25 क्वेश्चन थे, ठीक है, और उम्मीद है फ्रेंड्स काफी कुछ आपने सीखा होगा। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, वाईफाई स्टडी में पढ़ते रहिए। बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ है कई सारे पेपर के अंदर, आगे आने वाला नंबर आपका है। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली वोकैब क्लास सुबह 8:30 बजे, मैथ्स मंथन सुबह 10 बजे, जीके ज्ञान दोपहर 12 बजे, रीजनिंग मंत्रा दोपहर 2 बजे, इंग्लिश डोज शाम 4 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली वोकैब क्लास सुबह 8:30 बजे, मैथ्स मंथन सुबह 10 बजे, जीके ज्ञान दोपहर 12 बजे, रीजनिंग मंत्रा दोपहर 2 बजे, इंग्लिश डोज शाम 4 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग।